हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे डिजडेन रिटर्न बाय टॉमस कैरी टॉमस कैरी जो है वो एक कैवलियर पोइट थे जिन्हें कैरोलिन पोइट्स भी कहा जाता था कैरोलिन पोइट्स मतलब जो चार्ल्स द फर्स्ट के फॉलोअर थे उन्हें कैरोलिन पोइट्स कहा जाता था तो ये जो पोएम है ये एक तरह एक लिरिक है और डिजेन का मतलब होता है तिरस्कार मतलब किसी चीज़ के लिए आपको रिस्पेक्ट फील नहीं होता है तो यू आर गिविंग द सेम टू तो समन तो इसलिए इसे डिस्डेन रिटर्न कहा गया मतलब तिरस्कार को वापस करना इन शॉर्ट इस पोएम को लिखा गया है तीन स्टांसाज में और इसका राइम स्कीम है ए बी ए बी सी सी सिर्फ लास्ट स्टांसा में दो लाइन का एडिशन होता है तो इसका राइम स्कीम चेंज होकर होता है ए बी ए बी सी सी डी डी सो लेट्स बिगिन ही दैट लव्स अ रोजी चिक अब पोएट यहाँ पर कह रहा है कि ही दैट लव्स अ रोजी चिक चिक मतलब गाल रोजी मतलब गुलाब की तरह वो जिसे गुलाब की तरह सुंदर दिखने वाले गाल पसंद है और कोरल लिप एडमायर्स कोरल लिप का मतलब होता है डार्क ऑरेंज या पिंक इन कलर ये जिसे डार्क ऑरेंज पिंक कलर के लिप्स को जो एडमायर करता है अप्रिशिएट करता है और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट से या फिर जो तारों की तरह खूबसूरत आँखों से फायर या एनर्जी या फिर मोटिवेशन पाने की कोशिश करता है फियल टू मेनटेन हिस्सायर्स जो अपनी इमोशंस को मेनटेन रखने के लिए इन सारी फिज़िकल ब्यूटी की मदद लेता है एज टो एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके क्योंकि गुजरते वक्त के साथ में ये सारी चीज़ें जो है वो नाश हो जाती है सो ही फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे तो ऐसा इंसान जो इस फिज़िकल ब्यूटी के पीछे अपनी लाइफ या अपनी इमोशंस वेस्ट करता है उसका जो लव सीकनेस है उसकी जो इमोशंस है इंटेंस इमोशंस वो सारी एक दिन वेस्ट हो जाएगी क्योंकि ये सारी ब्यूटी एक दिन ख़त्म हो जाएगी तो अगर उसकी इमोशंस इन फिजिकल ब्यूटी पर बेस्ड है तो वो इमोशंस यूजलेस है बट अ स्मूथ एंड स्टेड फर्स्ट माइंड लेकिन एक स्मूथ और स्टेड फर्स्ट स्टेड फर्स्ट का मतलब होता है स्थिर लेकिन एक ऐसा दिमाग जो शांत है स्थिर है जेंटल थाट्स एंड कार्म डिज़ायर्स जहाँ पर के थॉट्स विचार जो है वो शांत है और जहाँ पे की इच्छाएं जो है वो कंट्रोल में है हार्ट्स विथ इक्वल लव कम्बाइन ऐसे दो दिल जहाँ पर प्यार जो है वो इक्वली डेवलप है जब ऐसे दो लोग ये जब ऐसे दो दिल साथ में आते हैं किंडल नेवर डाइनफाय तब उनके बीच में कभी ना खत्म होने वाला प्यार होता है मतलब फॉर गेटिंग ट्रू लव इट्स नेसेसरी दैट यू शुड गो बियॉन्ड द फिजिकल ब्यूटी वेयर देयर आर नॉट आई डिस और जहाँ पर ऐसी जेन्यन फीलिंग्स नहीं है ट्रू इमोशंस नहीं है आई डिसपाइज उस चीज़ से मैं घृणा करता हूँ लवली चिक्स और लिप्स और आइज ऐसे खूबसूरत गाल लिप्स ओठ या आँखें इन सबसे मैं घृणा करता हूँ जहाँ पर ट्रू इमोशंस नहीं है मतलब ट्रू इमोशंस के बिना ये फिजिकल ब्यूटी जो है वो यूजलेस है नो टीयर्स सीलिया नाउ शाल विन सीलिया ये अन आइडेंटिफाइड मतलब जिसकी आइडेंटिटी पता नहीं है ऐसी एक लेडी है जिसे टॉमस कैरी जो है वो पसंद करते थे नो टीयर्स सीलिया नाउ शाल विन अब वो सीलिया से कह रहे हैं पोइट कि अब ये जो तुम्हारे आंसू हैं इनके बहने से कुछ नहीं होगा यह मुझे नहीं जीत सकते माय रिजोल्ड हार्ड टू रिटर्न क्योंकि अभी मेरे दिल ने जो है वो रिजॉल्व कर लिया है ये ठान लिया है कि मैं वापस नहीं आऊँगा तुम्हारे पास आई हैव सर्च दाई सोल विद इन दाई मोअर आई हैव सर्च मैंने तुम्हारी आत्मा को अंदर से जो है वो खंगाला है ढूंढा है एंड फाइंड नॉट बट प्राइड एंड स्कॉन स्कॉन तो तुम्हारी आत्मा के भीतर तक झांकने के बाद में मुझे पता चला है कि मुझे तुम्हारे अंदर प्यार नहीं मिला जेनुइन फीलिंग्स नहीं मिली मेरे लिए वहाँ पे सिर्फ गर्व है और घृणा है आई हैव लर्न द आर्ट्स मैं तुम्हारी कला जो है वो समझ चुका हूँ एंड नाउ कैन डिस्डेन एज मच एज दाउ और अब मैं तुमसे उतनी ही घृणा करता हूँ शायद जितनी तो मुझसे करती हूँ अभी यहाँ पोइट ये यह कहना चाहते हैं कि आई हैव लर्न द आर्ट्स मतलब मे बी द लेडी इज ट्राइंग टू शो कि शी लव्स द पोएट लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है उसके दिल में जो फीलिंग्स है वो तिरस्कार वाली है जेनविन लव वाली नहीं है सम पावर इन माई रिवेंज कन्वे कुछ पावर कुछ शक्ति जो है इन माई रिवेंज कन्वे वो मेरे इस रिवेंज से भी पता चलती है दैट लव टू हर आई कास्ट अवे मैं अपने रिवेंज से पोइटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि दैट लव टू हर वो लेडी जो है सीलियां वो एक जेनविन लव जो वो डिजर्व नहीं करती है टू हर आई कास्ट अवे सो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हर दैट लव टू हर आई कास्ट अवे आई कास्ट अवे कास्ट अवे का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ समवन और समथिंग तो पोइट ने क्या किया है कि उन्होंने कास्ट अवे कर दिया है उस लेडी को अब वो जो है जो पोइट का जो जेनविन लव था वो डिजर्व नहीं करती है तो दैट्स वाई पोइट उसे रिटर्न में क्या दे रहे हैं तिरस्कार दे रहे हैं डिजडन दे रहे हैं जो कि एक्चुअल में उस सीलिया के दिल में भी है पोइट के लिए तो इस तरीके से ये इस पोएम का एनालिसिस था आई होप यू लाइक द एनालिसिस अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन